94.3 MYFM. नागपुर के अपने 94.3 MYFM पर है दीपिका आपके साथ और शो चल रहा है 16 ऑलवेज और अब प्रीति के आने का. यार ये कौन सा प्राणी घुसा है स्टूडियो में? अरे इसकी आवाज तो प्रीति जैसी लग रही है. जी हाँ मैं प्रीति हूँ. यार तुम्हें क्या हुआ आज? क्या ये क्या हुआ? ये बना रखा है ये मेरे पास. एक्चुअली मुझे लगा कि यार आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, कौन सा गेम खेलूं तो मैंने घर पे देखा कि क्रिकेट का ग्लव था मेरे पास, एक हाथ में ताइक्वांडो का ग्लव ले लिया और ये जो है बॉक्सिंग का हेड गार्ड है. और खेलेंगे क्या? मैं वही सोच रही हूँ कौन सा स्पोर्ट खेलने के मूड में एक्चुअली होता हूँ, क्योंकि तुमने सबके यू नो आधे अधूरे सामान लेकर आए. क्या क्या काम करते हैं? मेरे पास एक टेनिस बॉल है तो तुम इससे बैडमिंटन खेल लो. अच्छा और मेरे पास ये रग्बी बॉल है तो मैं इससे फुटबॉल खेल लेती हूँ. हाँ फिर हम इससे होम रन मारेंगे और हम इससे सेट्स बनाएंगे, है ना? हाँ एक सेट तुम जीतोगी एक सेट मैं. तुम कितने गोल करोगी? हाँ प्रीति मैं वही बता रही हूँ कि यार किसी भी चीज का नॉलेज होना अच्छी बात है लेकिन आधा नॉलेज होना बहुत खतरनाक होता है. तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कौन सा स्पोर्ट खेलना है शाम को खेलेंगे. एक्चुअली तो प्रीति काफी एक्साइटेड लग रही है आज स्पोर्ट्स डे पर. तो आप मैंने डिसाइड कर लिया. क्या डिसाइड? मैं हॉकी ग्राउंड जाने वाली हूँ. अच्छा विदर्भ हॉकी एसोसिएशन में आज सुबह से चल रहा है नॉकआउट टूर्नामेंट, मैं वहाँ जाने वाली हूँ. तो ठीक है मतलब वहाँ पे जाके तुम गोल मत मारना लेकिन, है ना? तो अब दिल चाहता है शो पर प्रीति क्या करने वाली है, स्पोर्ट्स को लेकर के काफी एक्साइटेड है, उसकी एक्साइटमेंट को एंजॉय कीजिए और गाने वही जो आपका दिल चाहता है. खेलो जी जान से और जियो दिल से. क्या बात है.